नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है जम्मू टेक्नोलॉजी। और मैं आज आपको बताऊंगा टेस्ट इफेक्ट किस तरह बनाते हैं। पिछले वीडियो में मैं थोड़ा वीडियो डाला था, तो उसमें आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि मैं किस ऑप्शन में जाके क्या इफेक्ट डाल रहा हूँ। तो उसी खेद के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन के बटन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको सबसे पहले मिले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन। तो चलिए, अभी आपको बताते हैं कि टेस्ट इफेक्ट कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। ये अपना फोटोशॉप ओपन हो रहा है। मैं CC 2019 यूज कर रहा हूँ। आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ये जो टेस्ट स्टाइल है वो किसी भी वर्जन में इंस्टॉलेशन हो सकता है और होता भी है। तो मैं जैसे कुछ भी ले लिया, ये वहाँ की इंस्टॉलेशन कर चुका हूँ। तो मैं सिंपली अपने क्लोज कर देता हूँ। आप YouTube में सर्च मार सकते हैं, आप सीधे लिखेंगे, यहाँ आप कुछ भी देखें, YouTube यहाँ से लिखे, आप यहाँ पर लिख देंगे टेस्ट टेस्ट स्टाइल फोटो शॉप, कुछ भी डालिए। ये करके ये पैक भी कर सकते हैं, ये वाला पैक में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं कुछ नहीं कर, मैं सिर्फ इंटर कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये सब लिखे हैं, सब टेस्ट स्टाइल हैं। ये देखिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इंस्टॉलेशन करिए। ये आपका टेस्ट बना हुआ है, ये आप इसको रीनेम कर सकते हैं। तो मैं दूसरे का टेस्ट नहीं बताऊंगा, मैं आपको खुद का टेस्ट क्रिएट करना बताऊंगा। तो चलिए, टेस्ट क्रिएट किस तरह करते हैं। तो जैसे मैं अपना इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ। मैंने YouTube से यह टेस्ट स्टाइल डाउनलोड किया है। ये देखिए, ये मेरा 3000 टेस्ट स्टाइल मैंने यूट्यूब देख के किया था। इसको मैं सीधा यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यहाँ और यहाँ लेके छोड़ देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा टेस्ट स्टाइल यहाँ पे आके इंस्टॉलेशन। अगर इंस्टॉलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है टेस्ट इसको इंस्टॉलेशन। तो चलिए, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अब लेता हूँ मैं कोई न्यू क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके लिए एक ये पेज ले लिया, ब्लैंक पेज। अब इसमें टेस्ट लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं अपने इसमें चैनल का नाम लिख लेता हूँ जमुना। अब मैं दो फॉन्ट में करूँगा, दो लेयर में, कंट्रोल शिफ्ट एन कुछ करता हूँ, इंटर। ये हमारा न्यू लेयर बन गया। अब यहाँ पे फिर लिखता हूँ मैं टेक्नोलॉजी। ये लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इस प्रकार से, ये इंटर कर लेता हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये ऐसे। थोड़ा इसको लेवल में ले लेते हैं कि कुछ अच्छा दिखे, ये इस तरह। ये अब इसको थोड़ा देख लेते हैं, ये बोल्ट है कि क्या है। तो अगर बोल्ट नहीं होगा तो हम अपना फोन थोड़ा बोल्ट कर लेंगे। ये बोल्ट ही है। चलिए, ये पहले टेस्ट इफेक्ट लगे, तो इसको हम
कंट्रोल जेड से अंडू कर लेते हैं। अब हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ लिखा देखिए 2019 में, सॉरी 2019 में यहाँ इसका सिंबल दे देगा। तो अगर आपको यहाँ शो नहीं करता है तो आप विंडो में जाइए, यहाँ देखिए ये स्टाइल लिखा है, यहाँ क्लिक करिए, ये देखो ओपन हो गया। अब आपको अपनी मर्जी के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार इसमें क्लिक करते जाना। ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार का टेस्ट आप इफेक्ट में ला सकते हैं। ये देखो, अब आपको क्या करना है, अब इसमें कुछ अदर ओवर ले करना है, तो वो भी आप वीडियो में देख के, यूट्यूब में देख के यहाँ लिख सकते हैं। फोटो शॉप ओवरले, ओवरले ये देखिए बहुत सारे आ जाते हैं अधूरी टाइप करने में। ये ऐसे किए, ये देखिए इसमें बहुत सारे ओवरले का पैक है। आप किसी के भी वीडियो देख के आप ओवरले डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसी में बैक किया मैं, अब PSD में मैं रखा हूँ, यहीं कहीं है। ये देखिए ये सब ओवर ले ही हैं, आप इसको जैसे चाहे वैसे इफेक्ट दे सकते हैं। तो जिस प्रकार का मैं फॉन्ट में उस प्रकार दूँगा, पहले सबसे पहले मैं इस बैकग्राउंड को पहले ब्लैक कर लेता हूँ। कंट्रोल बैक, सॉरी यहाँ से ये देख रहा हूँ, ये तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एन करता हूँ और इंटर करता हूँ। ये न्यू लेयर आ गया। अब इसको कंट्रोल बैक करता हूँ, ये ऊपर चला गया, ये सॉरी नीचे नहीं आ रहा। तो इसको ये नहीं हो रहा, तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा, इसलिए मैं डायरेक्टली एक तो ब्लैक बैकग्राउंड ले ले रहा हूँ। जैसे कि ये है बिल्कुल, ये देखिए ब्लैक बैकग्राउंड है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, छोड़ दिया, ये देखिए इस प्रकार से इसको हम बड़ा कर लेते हैं। तो आप देखिए क्या कि हम इसको कहीं से भी पर खींचते थे एकदम पूरा बराबर खींचता है। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट दबा के और आल्ट ऐसे करोगे तो ये देखो दोनों साइड खींच रहा है। बस उन्हें शिफ्ट करके तो करोगे तो ये देखो एक साइड ऐसे कर लेना है आपको। और इसी ओवर लेयर को, सॉरी ये बैकग्राउंड वाले लेयर को आप ऐसे करके नीचे, सॉरी ये नीचे कर लीजिए। ये देखिए अब हमारा टेस्टर किस प्रकार का दिख रहा है, ये देखो, ये देखो। अब इसमें आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लेयर वगैरह डालना है, तो आप क्या करेंगे, यहीं पे जाएंगे, जैसे ये कुछ लाइट वगैरह देना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे करके पकड़ के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको भी कंट्रोल, सॉरी शिफ्ट आल्ट की सहायता से ऐसे पकड़ के खींच लीजिए और इसको थोड़ा ऐसा कर लीजिए। ये देखिए, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ सीधा ऐसे। अब आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइज लिखा, नॉर्मल लिखा है, यहाँ क्लिक करिए, यहाँ पे आप इफेक्ट को देखिए, ये देखिए इस प्रकार के इफेक्ट अपने आप बनता जा रहा है। ये देखो, ये देखिए, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार इसमें इफेक्ट दे सकते हैं, आप कौन सा करेंगे। तो मेरे को ये वाला कुछ अच्छा लगा, तो मैं इसी में क्लिक कर देता हूँ। और इसमें एक आप अब इच्छा के अनुसार ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये देखिए। अगर आप इसको एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एल कर लीजिए और थोड़े इधर उधर कर लीजिए, ये देखिए ये इस प्रकार
अगर आपको करना है तो, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, अब इसमें आपको और इफेक्ट देना है। जैसे कि आप उसमें कुछ और भी इफेक्ट देना है। ये देखिए, इसको ऐसे किए ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ लिए। ये देखिए, ये इसको थोड़ा यहाँ ले लेते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, फिर नहीं पे जाना है। आप देख लीजिएगा किस प्रकार के इफेक्ट बन रहा है। ये देखिए, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो स्क्रीन कर लिए, थोड़ा इसको बड़ा कर लिए इस प्रकार से। ये इंटर किए, जैसे कि ये देखे, अब इसमें ये थोड़ा दिख रहा है इसका अलग से, ये इसका अलग से ये दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एल करना है और इसके लेवल को इंक्रीज करके देख लीजिए कि ये देखो ऐसे दिख रहा है। अब इसको ऐसे करके इंक्रीज करके सेट कर सकते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार। ओके कर दीजिए। ये देखिए, वो लेयर ज़रा से भी नहीं दिख रहा है। तो आपको इसमें फिर से इफेक्ट डालना है। तो आप ऐसे फिर करिए, आप इफेक्ट ढूंढिए इस प्रकार से, इस प्रकार से फिर ड्रैग एंड ड्रॉप। चूज करना है और यहाँ से जाके थोड़ा सा में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब इसको यहाँ पे लेके रख लेते हैं या यहाँ पे ऐसे। ये हो गया। अब आप इसको भी स्क्रीन कर दें इस प्रकार से। अब कंट्रोल एल करिए, सॉरी, आप यहाँ से इसका थोड़ा लेवल भी, लाइटिंग भी कम कर सकते हैं इस प्रकार से। ये देखिए, ताकि अपना फॉन्ट अच्छे से नज़र आ जाए। ये इस प्रकार से, ये थोड़ा सॉरी, ये इस प्रकार से आप इसे थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा सेट हो गया। अब देखते हैं, हाँ तो इसके अब ये इसमें कुछ भी नहीं शो करा। अब मैं चाहता हूँ कि इधर भी कुछ लाइटिंग वाइटिंग वगैरह दे डालें। तो फिर इसी में जाएंगे, सॉरी, इस लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद फिर से हम, जैसे कि ये है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किए अपने फोटोशॉप पे, यहाँ पे छोड़ दिए। ये देखिए ऐसा आ गया। अब इसको हम अपने माउस की सहायता से थोड़ा इस प्रकार से बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इंटर किए और कुछ नहीं करना है। फिर इसी ऑप्शन में जाते हैं, देखते हैं इसका लुक किस प्रकार दिखता है। ये देखिए, आपको हर एक ऑप्शन पे ऐसे आके चेक कर लेना है। ये डालने पे कैसे दिखेगा, इस पे कैसे दिखेगा। ये देखिए, ये आपको एक एक ऑप्शन पे जाके चेक कर लेना है। ये देखो, ये इसका, जैसे जैसे आप इन ऑप्शनों का यूज करेंगे, आपको इफेक्ट नज़र आता, सॉरी, नज़र आपको, सॉरी, इफेक्ट दिखाई देगा। ये देखिए, ये तो मैं यहीं वाला इफेक्ट ले लेता हूँ। तो ये हमारा टेस्ट हो गया कंप्लीट। और अगर आप और भी चाहते हैं तो फिर इसी में जाएं और यहाँ, जैसे कि ये वाला इफेक्ट मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे, कुछ इफेक्ट किया है कि इसमें शो नहीं करें। ये देखिए, इसने कहा तो इसको हम हटाते हैं। अपन हम दूसरा इफेक्ट तलाश लेते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमको वहीं इफेक्ट लगाना है। जो शो नहीं करे तो उसको हम छोड़ देंगे।
जैसे कि ये हो गया, इसको पकड़ खींचे ऐसे, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए, ये हो गया, ये इसको थोड़ा हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं, ये फिर हम लेयर पे गए, इसी ऑप्शन पे गए, इस पर हम चेक करते हैं किस प्रकार से करता है। देखिए ये देखिए, यहाँ से आप इसको ऐसा बड़ा कर लीजिए, इस प्रकार से ये एक इफेक्ट हो गया। चिंता कर लीजिए, आप इसको आर्ट के साथ ऐसे कॉपी करके यहाँ भी सेट कर लीजिए, यहाँ भी सेट कर लीजिए। ये देखिए कितना बेहतरीन इफेक्ट यहाँ पे लग गया है, ये देखो इधर से आप अपनी इच्छा के अनुसार ये सब इफेक्ट लगा सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके फ्रेंड्स भी देख सकें और सीख सकें। चलिए, धन्यवाद।